योगी सरकार 2.0 को एक महीना पूरा हो गया है। अपने दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी पिछली बार से भी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद से ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। सीएम योगी ने 4 हफ्तों में ही 40 फैसले लिए। इस रिपोर्ट में आप वो बड़े फैसले सीएम योगी के देखिए जिनके बाद सीएम योगी की छवि एक बड़े नेता के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रही है। योगी सरकार 2.0 का एक महीना, 4 हफ्तों में योगी आदित्यनाथ के 40 फैसले, गरीबों को मुफ्त राशन का उपहार, भ्रष्टाचार और अपराधियों पर प्रहार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनके चर्चे होने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महीने के भीतर कई ताबड़तोड़ फैसले लिए। इन ताबड़तोड़ फैसलों से जहां विरोधी खामोश गए, वहीं मुख्यमंत्री की छवि विकास पुरुष के रूप में उभर के सामने आई है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने फैसलों के लिए ही अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वहीं बुलडोजर हो या फिर अपराधियों पर गिरती गाज, मुख्यमंत्री की चर्चाएं देश और दुनिया में हो रही हैं। लेकिन अब उनके दूसरे कार्यकाल का एक महीना पूरा हो चुका है और इस दौरान सीएम योगी ने कई बड़े फैसले लिए। फैसला नंबर 1, पहली कैबिनेट बैठक में मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाया। फैसला नंबर 2, सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने पर काम जारी। ग्रामीण क्षेत्र में 15 मिनट और शहरी क्षेत्रों में 7 मिनट अधिकतम रिस्पॉन्स टाइम सुनिश्चित। फैसला नंबर 3, 2 साल में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य। फैसला नंबर 4, भ्रष्टाचार और लापरवाही मामले में डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद सस्पेंड। फैसला नंबर 5, पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को शासन की मंजूरी। फैसला नंबर 6, पिछले 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त। फैसला नंबर 7, नवरात्र के पहले दिन से महिला सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग का विशेष अभियान एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से शुरू किया गया। फैसला नंबर 8, मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की फिर से शुरुआत। हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी में जन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। फैसला नंबर 9, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर में विभिन्न योजनाओं पर समीक्षा। फैसला नंबर 10, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत, कम साक्षरता वाले जिलों पर विशेष फोकस। फैसला नंबर 11, भ्रष्टाचार और लापरवाही मामले में डीएम औरैया सुनील वर्मा सस्पेंड। फैसला नंबर 12, पेपर लीक होने के आरोप में बलिया के डीआईओएस सस्पेंड और अरेस्ट। दूसरे कार्यकाल के दरमियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त और कड़े त्योरों के साथ नजर आ रहे हैं। डीएम और एसएसपी को निलंबित किया तो तमाम अधिकारियों कर्मचारियों पर भी गाज गिरी। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, R9 न्यूज, लखनऊ। फैसला नंबर 13, पिछले 20 दिनों में 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर गर्जा बुलडोजर। फैसला नंबर 14, सभी मंत्रियों को 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने का निर्देश। फैसला नंबर 15, युवाओं को 9.74 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई शुरू। फैसला नंबर 16, प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत। फैसला नंबर 17, होमगार्ड के 20% पदों पर होगी महिलाओं की भर्ती, 100 दिन में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। फैसला नंबर 18, एक महीने में तैयार हुआ अगले 3 महीने, 6 महीने और 5 साल का खाका। फैसला नंबर 19, कई IAS अधिकारियों के तबादले तो कईयों को वोटिंग लिस्ट में डाला। फैसला नंबर 20, नागरिकों की समस्या के तुरंत निस्तारण के लिए रात में तैनाती स्थल पर SDM, CO, तहसीलदार को निर्देश। फैसला नंबर 21, महिला होमगार्ड्स को एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल या प्रशिक्षण देने के लिए निर्देश। फैसला नंबर 22, सरकारी कर्मचारियों के लंच का समय किया निर्धारित, दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक होगा लंच टाइम।
फैसला नंबर 23, पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि के पट्टे की दी स्वीकृति। फैसला नंबर 24, अगले 6 महीने में 2.51 लाख ने आवास बनाने का लक्ष्य, तेजी से काम करने के निर्देश। फैसला नंबर 25, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर सचल दल इकाई बस्ती आशुतोष मिश्रा सस्पेंड। फैसला नंबर 26, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर अभियंता शिव ओम सस्पेंड। फैसला नंबर 27, यूपी पुलिस आधुनिकरण और सुदृढ़ीकरण आयोग का कार्यकाल 30 जून 2022 तक बढ़ाया। फैसला नंबर 28, कमिश्नर वाणिज्य कर सचल दल इकाई 12 बंकी को सस्पेंड। फैसला नंबर 29, सीतापुर में नई पुलिस चौकी गणेशपुर स्थापित। फैसला नंबर 30, गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश, राज्य में कानून व्यवस्था को बताया प्राथमिकता। फैसला नंबर 31, आयुष्मान भारत योजना के तहत महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों का स्वास्थ्य बीमा। फैसला नंबर 32, भ्रष्टाचार के आरोपी झांसी प्रखंड बेतवा नहर झांसी में तैनात अधिशासी अभियंता संजय कुमार को हटाया, आरोपी अधिकारी संजय कुमार से 77,41,000 की वसूली भी होगी। फैसला नंबर 33, उप निबंधक कार्यालय मैथा कानपुर देहात के लिए पद सृजन की स्वीकृति। फैसला नंबर 34, अयोध्या में नियमित रामलीला का आयोजन किया जाएगा, हस्तिनापुर मेरठ और गोरखपुर में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना के आदेश। वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के निर्देश। फैसला नंबर 35, सभी कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में जाएंगे, कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए कार्यक्रम तैयार, टीमें हर मंडल में 72 घंटे का करेंगी प्रवास। फैसला नंबर 36, पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करने को लेकर सीएम योगी ने दी मंजूरी। फैसला नंबर 37, 5 सालों में प्रदेश में दोगुनी होगी मेडिकल प्रोफेशनल सीटें, 5 सालों में MBBS की 7,000, PG की 3,000 सीटें बढ़ेंगी, नर्सिंग की 14,500 और पैरामेडिकल की 3,600 सीटें बढ़ेंगी। फैसला नंबर 38, 100 ग्राम पंचायतों में खिलाड़ियों को मिलेगी ओपन जिम की सौगात। फैसला नंबर 39, यूपी में अब नए स्थानों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं। फैसला नंबर 40, 6 महीने में पूरी होगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 20,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया। ये तमाम फैसले योगी सरकार और सीएम योगी के विजन को दर्शा रहे हैं। ये फैसले दर्शा रहे हैं कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रहे हैं। ये फैसले दर्शा रहे हैं कि ना तो प्रदेश में दंगा बर्दाश्त होगा और ना माफियाओं का रास चलेगा। ये फैसले उन अधिकारियों को भी संदेश देने के लिए काफी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या लापरवाह हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल चर्चाओं में है। चर्चाएं बेहतर और बड़े फैसलों की वजह से हो रही हैं। दरअसल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान पहले कार्यकाल में जारी रखा था वो दूसरे कार्यकाल में भी पूरी तरीके से चरम पर है। इसके अलावा चुनाव में मुद्दा बना बुलडोजर भी जमकर गरज रहा है उत्तर प्रदेश में। इतना ही नहीं, पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा भी बदस्तूर जारी है। इसके अलावा रोजगार, गरीब, आवास और किसानों को लेकर भी मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अफसरों के साथ ही मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। तो जाहिर सी बात है कि इस एक महीने के कार्यकाल को अगर देखें तो तमाम ऐसे अहम फैसले लिए गए हैं जिसकी वजह से दूसरा कार्यकाल चर्चाओं में है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, R9 न्यूज़, लखनऊ।